सब्सक्राइब कीजिए चिल्ब्रेन टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का हम ये वीडियो हाउ टू स्प्रिंट विदाउट शिफ्ट इन पबजी इस पर बनाने वाले हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी दो वीडियो बना चुके हैं, मतलब मैंने इस पर ऑलरेडी दो वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक बंदा पूछ रहा था मुझे कि अगर मैं लेफ़्ट में मूव करता हूँ तो ये राइट में जाता है और सामने मूव करता हूँ तो पीछे जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन इस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि बहुत बंदे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ में से थोड़ा नॉइस आ रहा है तो मैनेज कर लेना क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो आज हम देखने वाले कि ये स्प्रिंट विदाउट शिफ्ट एक्यूरेट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमुलेटर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर इमुलेटर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ट्रेनिंग मोड में जाना है और यहाँ पे टीपीपी सेलेक्ट कर लेना है। और टीपीपी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेनिंग में चले जाओगे। फिर बाद में आपको मैंने बता ही दिया है स्प्रिंट विदाउट शिफ्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको रेजोल्यूशन जो है वो आपका 1080p रखना पड़ेगा। इसे 720p कैसे करें मैं ये वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको ये मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, कंट्रोल्स पे जाना है और आपको ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना है। इसे मैं पहले जैसा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रिसेट कर देता हूँ, आपको ज़रा फास्ट में बताता हूँ मैं, तो टेंशन मत लो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसे रिसेट कर दिया है, मतलब पहले जैसा होता है वैसा, तो इसे सेव कर दिया। ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना है, आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल्स में जाते हैं और इसे ऐसे ही रख देना है, ध्यान रखना है, इसे ऐसे ही रख देना है। और अभी क्या करना है, अपना ये वाला व्हील देखना है, ये देखो, आपको बता दो मैं राइट लेफ्ट क्यों जाता है, ये देखो ये वाला व्हील जो है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाले व्हील को बिल्कुल नहीं हिलाना, इसे सिर्फ नीचे खींचते, ये देखो सिंपली हमने इसे नीचे खींच लिया। अब क्या करना है आपको, ये वाला व्हील खोलना है, ये देखिए गेम वाला व्हील, और फिर बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये वाला जो व्हील है, मतलब ये डॉट दिख रहा है आपको, डॉट ये बिल्कुल इस डॉट के नीचे आना चाहिए। अगर लेफ्ट या राइट हो गया तो आपका लेफ्ट दौड़ने पर राइट भागेगा, यही प्रॉब्लम होता है, मतलब राइट पर दौड़ने पर लेफ्ट में भागेगा, इसलिए आपको ये बिल्कुल इसके ऊपर ही एकदम स्ट्रेट लगाना है, ये बिल्कुल इस डॉट के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए अब मेरा थोड़ा लेफ्ट एंड राइट हो गया, ये आपको लाइन दिखा दे रही होगी, ये डॉट बिल्कुल इसके इस लाइन के ऊपर ले आना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा राइट में लेता हूँ इसे, ये देखिए अब देखो क्या होता है, ये देखो स्प्रिंट विदाउट शिफ्ट तो चलने लगा है, ये देखिए मैं बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं दबा रहा और मेरा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, मतलब लेफ्ट में मूव करने पर लेफ्ट में ही चल रहा है, राइट में बिल्कुल नहीं दौड़ रहा। अगर मैं राइट में दबाऊँ तभी राइट में दौड़ रहा है, अगर मैं पीछे लूँ तो ये देखिए थोड़ा आगे जा रहा है। ये देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं बताऊँगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कंट्रोल्स में जा रहे हैं, अब ये थोड़ा पीछे जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा ऊपर लेना है, ये देखिए थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये देखिए अब देखो, अब देखो ये बंदा, ये देखो पीछे जा रहा है, ये देखो थोड़ा ही आगे जा रहा है, थोड़ा वो तो होता रहता है। ये देखिए इसे हम एक्यूरेट लगा लेते हैं इसके ऊपर, ये देखिए मैंने लगा लिया, ये देखिए बिल्कुल मेरा पीछे जा रहा है, ये देखिए आप। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही चल गया होगा, ये वाला जो नीचे वाला व्हील है इसका जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसका पॉइंट और इस सर्कल का पॉइंट एकदम स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, मतलब एक ऊपर एक ऊपर लगाना चाहिए और एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, तभी आपका एकदम एक्यूरेट दौड़ेगा। और ये जो सेटिंग कर रहा हूँ मैं वो 1080p पे कर रहा हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसे कैसे फिक्स करना है, मतलब आप राइट में दौड़ने पर लेफ्ट में भागता है या फिर लेफ्ट में दौड़ने पर राइट में भागता है, तो इसे कैसे फिक्स करें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है। तो बहुत बंदे जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मैं 720 पे इसे स्प्रिंट विदाउट शिफ्ट कैसे करें उसका भी सोल्यूशन मैंने निकाला है, उसका भी वीडियो मैं डालूंगा, और आप इस वीडियो से सपोर्ट कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, oh, oh.